तो भाई अभी केडी बजाज है सेक्टर 63 में यहाँ पे आया था, तो यहाँ पर मुझे दिखी ये दो डोमिनार हैं ग्रीन और ये दूसरी ग्रीन ब्लैक कलर। तो अगर यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो इसमें कोई स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है सिर्फ एसेसरीज का। और इसका जो लुक लग रहा है ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है। और इसमें कॉस्टिंग कितने की डिफरेंस है? ये कॉस्टिंग की अगर डिफरेंस की बात करें तो 10,000 का डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में। अगर आप एसेसरीज वाली लोगे तो इसमें 10,000 महंगी होगी, अगर विदाउट एसेसरीज लेंगे तो आपको 10,000 रुपये सस्ती मिलेगी। तो 10,000 में क्या क्या है इसमें? इसमें आपको व्हील सीट मिलेगी, विंडशील्ड मिल जाएगी, नकल गार्ड मिल जाएगी, हाँ, और पीछे बैकरेस्ट मिल जाएगा जो आजकल ज़्यादातर लोग ट्रेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम इसमें डिफरेंस देखें, आप नीचे की साइड देखेंगे, अच्छा ये मेटेलिक मिल रहा है, मेटेलिक मिल रहा है। हाँ, तो जो पहले वाली बाइक है इसमें ये फाइबर का है और दूसरा ये जो मिल रहा है अब ये मेटेलिक मिल रहा है। और इसके कंपैरिजन में देखें तो इसका लुक ज़्यादा अच्छा है और सेफ्टी भी ज़्यादा रहेगी। सो फिलहाल 10,000 में अगर विंडशील्ड की बात करें तो यही मार्केट में ₹70 की मिलती है। काफ़ी सही चीज़ बजाज करने जा रही है, लेकिन अभी ये नीचे अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे अपनी बाइक में लगवानी हो तो ये नीचे अभी अवेलेबल नहीं है। ऑर्डर करके मंगानी पड़ेगी, ऑर्डर करके तो अप्रॉक्स 10 में लग जाएगी। हाँ, तो 10,000 के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़, जैसे भी आएगी तो आप मुझे बता देना, तो मुझे क्योंकि अपनी बाइक में भी लगवाना है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि डोमिनार कितने कम प्राइस पे ये सब चीज़ों को लॉन्च कर रहा है। अप्रॉक्स जो कॉस्टिंग आपने वीडियो में देखी है 10,000 के अप्रॉक्स बताया है, 2,51,000 और 2,61,000, यानी कि अप्रॉक्स 10,000 का डिफरेंस है दोनों में। सो 10,000 में आपको ये पूरी एसेसरीज मिल रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा जिनके पास जो ओल्ड डोमिनार है उनका क्या है? तो मेरे पास जो डोमिनार है वो है 2021 की, तो अगर मुझे अपनी में लगवाना है तो मैं भी वहाँ से लगवा सकता हूँ, लेकिन मुझे जो अभी उन्होंने बताया है उसकी अप्रॉक्स कॉस्ट 10,000 के करीब बताई, बट एक्चुअल कॉस्ट जो कह रहे हैं कि मटेरियल आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। और वो कह रहे हैं 3-3 महीने से उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली हुई है बट अभी तक मटेरियल नहीं आ रहा है। सो जब भी आएगा ये एसेसरीज, जब भी आएंगी तब हम अपनी बाइक में लगवाएंगे, क्योंकि जो उसकी फिनिशिंग और जो उसका लुक था वो बहुत ही अच्छा था। तो डेफिनेटली जब भी आएगी, चाहे जितने टाइम के बाद आए, मैं अपनी बाइक में यही लगवाऊंगा। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी अपनी बाइक में वही लगवा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर मार्केट के कंपैरिजन में इसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक बार लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।